नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। बंगाल विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण, 35 सीटों पर वोटिंग जारी। केंद्रीय सुरक्षा बल की 753 कंपनियां तैनात। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू, अब तक 15,02,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, तो वहीं 31,63,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर, एक दिन में रिकॉर्ड 3,80,000 नए मामले आए सामने, तो वहीं 3,646 लोगों की गई जान। कोरोना के कहर से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित, एक दिन में पहली बार 1,000 से अधिक कोरोना मरीजों की हुई मौत, तो वहीं 63,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। महाराष्ट्र के गोरेगांव में टीकाकरण अभियान जारी, नेस्को सेंटर के बाहर लगी 1 किलोमीटर लंबी लाइन, सुरक्षा व्यवस्था का भी उड़ा मखौल। कोरोना संक्रमण के बीच राज्यों में हो रही ऑक्सीजन सप्लाई, तेलंगाना से ओडिशा के लिए चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस, अंगुल में होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली में जारी, बीते 24 घंटे में कुल 368 लोगों की मौत, वहीं एक दिन में कुल 25,986 नए मामले आए सामने। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत को मिला महाशक्तियों का साथ, रूस ने भारत को पहुंचाई मदद, मेडिकल संबंधी जरूरतों की पहली खेप पहुंची दिल्ली। यूपी में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,824 नए केस आए सामने, तो वहीं 266 लोगों की हुई मौत। यूपी के लखनऊ में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की कवायद, ऑक्सीजन एक्सप्रेस हुई लखनऊ के लिए रवाना, रेलवे निभा रहा सप्लाई में अहम भूमिका। अयोध्या नगरी में बनने वाले भव्य मंदिर के लिए समर्पण निधि का आना जारी, हाल ही में टाटा सन्स मुंबई ने दिए 5 करोड़ रुपए, अब तक करीब 9,00,000 कार्यकर्ताओं ने दिए 10 करोड़ परिवारों। यूपी के नोएडा में अजीब वाकया आया सामने, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर में नहीं मिला महिला को प्रवेश, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी बहू और परिजनों ने नहीं दी घर में आने की इजाजत। यूपी के पीलीभीत में छप्परपोश घर में लगी भीषण आग, एक की मौत, आधा दर्जन लोग झुलसे, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मतदान जारी, बुलंदशहर में मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर किया कोरोना नियमों का खुलेआम उल्लंघन। यूपी पंचायत चुनाव में धांधली का मामला, वर्तमान प्रधान ने साथियों संग मिलकर किया पूर्व प्रधान पर हमला, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का आरोप। यूपी के वाराणसी में गिरा प्राचीन वटवृक्ष, कॉरिडोर निर्माण कर रही कंपनी और प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, लोगों में आक्रोश व्याप्त। प्रदेश में कोरोना का कहर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरी लहर की रोकथाम को लेकर चिंतित, सीएम गहलोत ने की कोविड-19 की समीक्षा बैठक। पत्नी सुनीता गहलोत के बाद सीएम गहलोत भी हुए कोरोना संक्रमित, सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा आइसोलेशन में रहकर रखूंगा कार्य जारी। प्रशासन गांवों के संग अभियान स्थगित, बढ़ते संक्रमण के कारण सीएम गहलोत ने लिया फैसला, प्रदेश में 1 मई से शुरू होना था अभियान। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश, शिक्षक कर्मचारी नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय, कोरोना की वजह से यूजी और पीजी की परीक्षाएं हो चुकी है पहले ही स्थगित। राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का निधन, कोरोना संक्रमित थे लोटवाड़ा, राजपूत समाज सहित अन्य वर्गों के लोगों ने जताया शोक। राजस्थान एसओजी की बड़ी कार्रवाई, बैंक खाते हैक कर लाखों रुपए निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश, नाइजीरियन समेत 3 शातिर साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। प्रदेश में लोगों का गर्मी से बुरा हाल, करीब 1 दर्जन जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार, हल्के दर्जे की बारिश होने का अलर्ट जारी। जोधपुर के लूणी में दर्दनाक हादसा, ट्रोले ने मारी कार को टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। अलवर के खेड़ली में युवक युवती ने की आत्महत्या, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बस्सी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 12 घंटे में बालकों को किया दस्तयाब, 3 नाबालिग बच्चे घूमते चलते मिले मुहाना। बूंदी के कापरेन कृषि उपज मंडी में किसानों का हंगामा, निर्धारित तोल से अधिक तुलाई करने पर हुआ हंगामा, किसानों की शिकायत पर तहसीलदार ने की कार्रवाई। बारा के शाहबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त, उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा के निर्देश पर बनाई गई एसआई चेक पोस्ट, निगरानी के लिए पुलिस के जवान भी तैनात।
जयपुर के कानौता थाना क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। खोखावाला पुलिया के पास मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट, आमजन को जागरूक करने के लिए निकाला मार्च। कई लोगों के काटे चालान तो कई वाहनों को किया जा। संभागीय आयुक्त दिनेश यादव का झुंझुनू दौरा, कलेक्टर यूडी खान से की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा, सभी को अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। झुंझुनू के चिड़ावा में प्रशासन की ओर से लगाई गई सील टूटी हुई मिली, थाने में दर्ज करवाया गया मामला, दुकान मालिक पर सील तोड़ने का आरोप। झालावाड़ के बकाने में दुकान में लगी आग, मनिहारी की दुकान में लगी अज्ञात कारणों के चलते आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। झुंझुनू के रोड नंबर 3 पर हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वृद्ध को टक्कर मारने के बाद कार सवार हुआ था फरार, कार चालक की तलाश जारी। झालावाड़ के आवर में ग्राम पंचायत की पहल, सभी गली मोहल्लों में करवाया गया सैनिटाइजर का छिड़काव, बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने का प्रयास। झुंझुनू के मंडावा में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कार्रवाई, कस्बे में जगह जगह नाके बनाकर की गई कार्रवाई, एसएचओ महावीर सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। सीकर के फतेहपुर में एक बच्चे और युवक ने बनाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, डांस की दुनिया में रचे कीर्तिमान, कई रियलिटी शो में जमाई धार। झुंझुनू के खेतड़ी में शराब ठेकेदारों ने की समय बढ़ाने की मांग, आबकारी विभाग के निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन, कहा नहीं बढ़ाया टाइम तो सौंप देंगे दुकान की चाबियां। बारा के मांगरोल में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कार्रवाई, 9 दुकानों को अग्रिम आदेशों तक किया गया सीज, बिना मास्क वालों से वसूला 3,900 रुपए का जुर्माना। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गाइडलाइन की अवहेलना पर पुलिस का एक्शन, अमरपुरा में एम्बिशंस मैरिज पैलेस पर मारा छापा, आयोजकों पर लगाया 25,000 का जुर्माना। दौसा के बांदीकुई में कोरोना गाइडलाइन चूड़ी धज्जियां, प्रशासन ने बरती सख्ती, 5 प्रतिष्ठानों को किया सीज। बारा के शाहबाद में विवाह सम्मेलन की सूचना पर प्रशासन की कार्रवाई, आयोजनकर्ताओं को किया गया पाबंद, टेंट का सामान किया गया जब्त। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस अधीक्षक ने किया सब्जी मंडी का निरीक्षण, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के दिए निर्देश। बीकानेर के कोलायत में शिकारियों ने चिंकारा हिरण का किया शिकार, वन विभाग की टीम और जीव रक्षा प्रेमियों पर भी की फायरिंग, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भरतपुर के रुदावल में नियमों का उल्लंघन करना पड़ा भारी, शादी समारोह में लोगों की भीड़ जुटाने पर कार्रवाई, पुलिस प्रशासन ने काटा चालान। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।